हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे HDFC लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। यहाँ पे बहुत सारा जो कि रिसेंटली रिक्रूटमेंट निकला हुआ है इसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस में काम करना, यहाँ पे मैं बताऊँगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिसेंटली पोस्ट हुआ है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते, सब कुछ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना होगा। कोई भी मिस कर जाता है तो, अगर आप मिस कर जाते हो तो यहाँ पे आपको जो है आप नहीं समझ पाएंगे किस तरह से आप अप्लाई करना हो। तो आपको क्या करना हो, फास्ट आपको इस पेज में आना होगा। तो इस पेज के आने के लिए इसका जो ऑफिशियल लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके इस पेज में इजीली आ सकते हैं। दोस्तों, इस पेज में आने के बाद आपको क्या करना होगा, करेंट ओपनिंग जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली जो कि करियर्स HDFC लाइफ, तो इसके ऊपर आप करंट ओपनिंग जो कि रेड बटन में आपको दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद रिसेंटली जो जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है उसके बारे में जो डिटेल्स हैं यहाँ पे चला आएगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं HDFC के जो ऑफिशियली पेज है, मैं यहाँ पे उसका ही बात कर रहा हूँ, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप से नहीं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट जो कि पोस्ट हुआ है सीनियर मैनेजर एग्रीगेटर एंड पार्टनरशिप डिजिटल मार्केटिंग, इसके बारे में बात कर लेता हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पे और भी पोस्ट जो हुआ है टेरिटरी मैनेजर डायरेक्ट एंड लॉयलिटी, तो इस तरह से और भी जो कि पोस्ट निकला हुआ है फ्रेशर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर HDFC लाइफ जो कि विजयवाड़ा गुंटर। तो इस तरह से दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे जो कि सिटीज़ में इसका जॉब निकला हुआ है, और बहुत सारे जो निकला आपके पास भी जो नज़दीक के जो सिटीज़ है, अगर आपके पास कोई भी सिटीज़ में अगर कोई जॉब निकला आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर चाहते हो कि आपके जो कि आपके क्वालिफिकेशन से कोई भी जॉब मैच करता है तो उसके लिए अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते। तो फर्स्ट जो पोस्ट निकला हुआ है यहाँ पे सीनियर मैनेजर एग्रीगेटर एंड पार्टनरशिप डिजिटल मार्केटिंग, इसके बारे में बात कर लेता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका जो डिटेल्स हैं यहाँ पे चला आएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं इसका। तो इसके बारे में, इस जॉब के बारे में कुछ डिटेल में मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद में आप अप्लाई किस तरह से करना चाहते हैं उसके भी मैं डिटेल बोल देता हूँ। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं सीनियर मैनेजर एग्रीगेटर एंड पार्टनरशिप डिजिटल मार्केटिंग जो कि पोस्ट नेम है इसका, लोकेशन रहेगा इसका मुंबई में। तो दोस्तों, इसके साथ साथ इसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग चाहते हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना, आप लोग एक बार पढ़ लेना। तो दोस्तों, सैलरी जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द रिक्रूटर, तो यहाँ पे जो सैलरी है यहाँ पे नहीं वो लोग डिस्प्ले कर दिया है। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा आपका जो सैलरी रहेगा। इंडस्ट्री जो है इंश्योरेंस कंपनी है, फंक्शनल एरिया यहाँ पे मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट MR PR मीडिया प्लानिंग, रोल कैटेगरी है सीनियर मैनेजर मैनेजमेंट, रोल है नेशनल क्रिएटिविटी डायरेक्टर एंड VP क्रिएटिव, एम्प्लॉयमेंट टाइप जो है परमानेंट जॉब फुल टाइम जॉब। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं बात बोल दिया। इसके साथ साथ की स्किल जो कि है यहाँ पे आपको ऑनलाइन मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन सेल, ई कॉमर्स, ब्रांड मार्केटिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग इनिशिएटिव्स, वेब पढ़ना, तो इस तरह से की स्किल अगर आपके पास है तभी आप अप्लाई कर सकते। तो इसके साथ साथ एडुकेशन क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे आपको उसके भी बोल देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे एडुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपको BTech, BE, एनी स्पेशलाइजेशन, उसके साथ साथ PG जो कि है MBA, PG, DM मार्केटिंग, डॉक्टोरेट नॉट रिक्वायर्ड। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट में अगर आपको अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे BTech या BE एनी स्पेशलाइजेशन, कोई भी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट में आप है तो उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग हैं उसके लिए आपको MBA, PG, DM मार्केटिंग आपको वो रिक्वायर चाहिए। तो दोस्तों, ये था इसका जो जॉब डिटेल्स है। इसके बाद में बात कर लेता हूँ अप्लाई किस तरह से करना होगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर रेड बटन जो है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के लिए आपको
अप्लाई के जो कि पेज है यहाँ पे चलाएगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों अप्लाई के जो कि यहाँ पे छोटा एक फॉर्म चला है, इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका नाम, आपका करेंट ईमेल आईडी, करेंट फोन मोबाइल फ़ोन नंबर, आपका लोकेशन जो करेंट है वो देना होगा। इसके साथ साथ आपका टोटल एक्सपीरियंस अगर कोई भी है आप वो देख सकते हैं। उसके साथ साथ आपका जो रिज्यूम है आपको यहाँ पे आपको अटैच करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो फुल नेम है आपको यहाँ पे देना होगा, उसके बाद आपका जो वैलिड ईमेल आईडी है वो देना होगा, उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है आपको वो देना होगा, आपका जो करेंट लोकेशन जो कि आपका सिटी या कोई भी लोकेशन जो अगर है तो आप दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो अगर फ्रेशर है आप तब भी आपको सिलेक्ट कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद आपका रिज्यूम जो है आपको यहाँ पर देना होगा, उसके बाद आपको सबमिट जो है यहाँ पर रेड बटन के है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाए। सबमिट हो जाने के बाद कुछ ही दिन बाद अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो मैच कर जाता है इस जॉब के लिए, तो उसके बाद ही आपको कॉल आएगा फॉर द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू देना होगा, इंटरव्यू के थ्रू आपको जो कि यहाँ पे आपको जॉब मिलेगा। इंटरव्यू में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप उसके बाद ही आपका जो ये जॉब मिल जाएगा। तो इस तरह से आप HDFC लाइव में जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले, और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूले फ्रेंड। थैंक यू।